दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो जैसे आप लोग इंस्टाग्राम से वीडियो बना लेते हैं और यहाँ से आप लोग वीडियो को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका वीडियो है वो म्यूजिक के साथ सेव नहीं होता। अगर आप लोग यहाँ से वीडियो को सेव करेंगे तो जो आपका वीडियो होगा वो विदाउट म्यूजिक होगा, म्यूजिक के साथ सेव नहीं होगा। तो अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है और जो आपका वीडियो है वो म्यूजिक के साथ सेव नहीं हो रहा, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम से वीडियो बनाकर गैलरी में सेव कर सकते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ बिना वीडियो पोस्ट किए। आपको वीडियो पोस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैक आ जाना और आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग जो है इंस्टाग्राम वीडियो को जो है गैलरी में सेव कर पाएंगे, वो भी म्यूजिक के साथ बिना पोस्ट किए, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करना। अब जैसे आप लोग प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रील्स में आ जाना, जहाँ से आप लोग रील्स वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से रील्स को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको कैमरा का आइकन देखने को मिलेगा, तो आपको कैमरा वाले आइकन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो आपके मोबाइल का कैमरा होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई फिल्टर ऐड करना तो यहाँ से आपको फिल्टर ऐड कर लेना, जैसे यहाँ पर मैंने एक फिल्टर को ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर म्यूजिक वाले सेक्शन पर क्लिक करके मैं एक म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ, तो जो भी आपको म्यूजिक के साथ वीडियो बनाना उस म्यूजिक को आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक को आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको डन कर देना। अब यहाँ से आप लोग जो है सेकंड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर मैं 30 सेकंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप जितने सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हैं उतना सेकंड आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सर्कल दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना। चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एडिट वीडियो का, तो आप लोग एडिट वीडियो पर क्लिक करके जो आपका वीडियो है उसको आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा और अगर आपको वीडियो में कुछ ऐड करना तो वो काम आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आइडियंस का, तो यहाँ पर आपको आइडियंस के ऊपर क्लिक करना। अगर आपको यहाँ पर आइडियंस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता तो आप लोग इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लीजिए और यहाँ पर जो आइडियंस का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको आइडियंस के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एवरीवन का, तो अगर आप लोग यहाँ पर एवरीवन को सिलेक्ट करके और यहाँ से आप लोग डन करके अगर आप लोग वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो जो आपका वीडियो है आपके जितने भी फॉलोअर हैं सभी फॉलोअर को आपका वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है क्लोज फ्रेंड, आपको सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब जैसे आप लोग सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा एरो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो छोटा सा एरो आपको दिख रहा है इस एरो पर आपको बिल्कुल ध्यान से क्लिक करना। चलिए यहाँ पर मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही आप लोग एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपने पहले से किसी को सिलेक्ट करके रखा है तो यहाँ पर आपको क्लियर ऑल पर क्लिक कर देना, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर अनसिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किसी भी एक फ्रेंड को आपको सिलेक्ट कर लेना, आप यहां से किसी भी एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर किसी फ्रेंड का आईडी ऐड करना और यहां पर आपको आईडी शो नहीं करता तो यहां पर आपको सर्च बार देखने को मिलेगा, यहां पर आप लोग सर्च बार पर क्लिक करके और जिनको भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं यहां से उनके आईडी का जो यूजर नाम है उसको आप लोग टाइप करके सर्च कर सकते हैं और यहाँ से उनका आईडी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी एक फ्रेंड को ऐड कर लेना और चाहे तो आप और लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने से होगा क्या, तो जिनको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उनको ही आपका वीडियो दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक आईडी को सिलेक्ट किया तो जो भी हम वीडियो शेयर करेंगे वो सिर्फ इसी आईडी को दिखेगा, ठीक है। तो जिनको आप वीडियो दिखाना चाहते हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी अपना वीडियो नहीं दिखाना चाहते, आप चाहते हैं कि जो एक पर्सन को आपने ऐड किया उनको भी आपका वीडियो न दिखे, तो अगर आपका कोई दूसरा आइडिया तो उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा आइडिया तो उस आईडी को आप लोग यहाँ से सर्च करके उस आईडी को आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आईडी को ऐड करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको डन कर देना और जैसे यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने कितने पर्सन को आपने ऐड किया है, ठीक है। अगर आप किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करके और जिनको भी आप ऐड करना चाहते हैं उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको किसी को अनसिलेक्ट करना तो आप यहाँ से अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको डन कर देना और यहाँ पर दोबारा से आपको डन कर देना। अगर आप कैप्शन वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैप्शन वगैरह लिख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे आना और यहाँ पर जो आपको शेयर का ऑप्शन देखने को था आपको शेयर पर क्लिक करके जो वीडियो है उसको आपको शेयर कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं शेयर पर क्लिक करके जो वीडियो है उसको मैं शेयर कर देता हूँ।
अब आप लोग बोलेंगे कि भाई आपने तो बोला था कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर गैलरी में सेव कैसे कर सकता है, वो भी म्यूजिक के साथ बिना पोस्ट किए। आप लोग बोलेंगे कि भाई आपने तो बोला था कि वीडियो पोस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो मैंने वीडियो पोस्ट किया वो किसी को भी नहीं दिखने वाला। जिस आईडी को हमने ऐड किया था सिर्फ उसी आईडी को हमारा वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना, आपका वीडियो किसी को भी नहीं दिखने वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल में आ जाना। अब जैसे आप लोग प्रोफाइल में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको रील्स में आ जाना, और जैसे आप लोग रील्स में आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपने वीडियो पोस्ट किया होगा वो वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो भी वीडियो अभी आपने पोस्ट किया उस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नीचे आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड का। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके जो आपका वीडियो है उसको आपको डाउनलोड कर लेना, और ये वीडियो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, वो भी म्यूजिक के साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको छोटा सा एरो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो छोटा सा एरो आपको दिख रहा है इस एरो पर आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप लोग एडिट के ऊपर क्लिक करके अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, अगर आप अपना वीडियो किसी और को भी दिखाना चाहते हैं, तो जिनको आप अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं यहाँ से उनको आप लोग ऐड कर सकते हैं, और अगर आप किसी को अपना वीडियो नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ से आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं, और यहाँ से सिंपली आपको डन कर देना। तो अब यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा वीडियो है वो म्यूजिक के साथ सेव हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं अभी जाता हूँ गैलरी में, और यहाँ पर मैंने गैलरी को ओपन कर लिया, और यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने वीडियो डाउनलोड किया वो वीडियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता, और यहाँ पर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, और जो म्यूजिक है उसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने म्यूजिक सुन लिया, हो सकता है कि आपको म्यूजिक सुनाई ना दे क्योंकि यहाँ पर मैंने मोबाइल में माइक को कनेक्ट करके रखा है। तो इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर गैलरी में सेव कर सकते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ बिना वीडियो पोस्ट किए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो उसके बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो देखकर सबसे पहले।